Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As we have discussed some of the aspect of how to write an essay हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ हमने last slides में बात की थी, लेकिन net की वजह से problems आ गई और हम इस lecture को continue नहीं कर पाए. We will discuss all the things that are the part of the structure of an essay. First of all, what is the structure of an essay? Every essay has a beginning, middle, or an end. In a five-paragraph essay, the first paragraph is called the introduction, and the next three paragraphs consist of the body of the essay, and the rest, the last passage, is called conclusion, or is also the fifth passage of that five-paragraph. What is the structure of an essay? We have three parts of any type of essay. First one, introduction. Second one, body. And third one, conclusion. Introduction is me further divided into opener or a hook transitional sentence, and the second point is the thesis statement. And in body, we have a topic sentence and detail and examples of that topic sentence, including concluding remarks with examples as well. At the third part, we will discuss conclusion. In conclusion, we have two points. First one, summary. And the second one, clincher. Clincher one, that's just like the whole concept or the major concepts of your essay. What is a dramatic opener, or what is a thesis statement? Before moving toward the structure of an essay, we have to keep in mind the three basic aspects that are most familiar or that are most essential to write any type of essay. The first one is a subject. As we discussed in our previous lecture, the subject is the person to whom you want to write in any type of essay. ये वो बंदा है जिसके लिए आपने कोई काम करना है, या ये वो person है जिसके लिए आपने कुछ लिखना है. ये आपका teacher हो सकता है, ये आपका instructor हो सकता है, ये आपका boss हो सकता है, ये आपका manager हो सकता है, ये आपका senior हो सकता है, आपका junior हो सकता है, आपका sister, आपकी brother, कुछ भी किसी भी type का person हो सकता है जो आपको clarify करता है कि आपने लिखना क्या है. लिखना क्या है मतलब आप एक लेटर लिखते हो एडिटर के नाम पर, तो एडिट सब्जेक्ट जो है आपका उसके अंदर आप मेंशन करेंगे. अब एडिटर जो है उसको आप लेटर लिख रहे हो अपनी सोसाइटी के बारे में, तो यहाँ पर सोसाइटी का सब्जेक्ट है, और पर्सन जो है वो आपका यहाँ पर वो एडिटर है, यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका ऑडियंस है वो एडिटर है, और सब्जेक्ट आपका ये है कि वो आप वहाँ पर जो लेटर लिख रहे हो वो जॉब के लिए है या कि सोसाइटी की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए है. तो लिहाजा अगर आप एक लेटर लिखते हो अपने एडिटर्स को, तो वो हो सकता है कि उसका जो सब्जेक्ट हो वो न्यूज उसका जो सब्जेक्ट हो, चांसेस हैं कि वो आप किसी मुआशरे की बुराई बयान करने के लिए लिख रहे हो. अगर आप वो लेटर किसी लिख रहे हो किसी एजुकेशनल ऑफिसर को, तो हो सकता है वो जॉब के लिए हो, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो एप्लीकेशन फॉर जॉब होगा. अगर आप लेटर एक मैनेजर को लिख रहे हो और वहां पर अपनी कोई कंप्लेन रिगार्डिंग पुट करना चाह रहे हो, तो फिर आपका सब्जेक्ट कंप्लेन होगा रिगार्डिंग एनी टॉपिक. आपको पे नहीं दी जा रही, या सपोज आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, या आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिस किस्म की आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी या जिस किस्म का आप राइटिंग लिखना चाह रहे हैं, वही आपका सब्जेक्ट होगा. आप एक जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, आप एडिटर को एक लेटर लिखना चाह रहे हैं सोशल क्राइम के ऊपर, तो ये सोशल क्राइम आपका सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर जॉब आपका सब्जेक्ट है. या इसके अलावा आप कोई अपने सीनियर्स को कोई सजेशन देना चाह रहे हैं उसके साइंस की या आर्ट्स की, तो वो आपका सब्जेक्ट है. तो लिहाजा तीन चीज़ों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो ऐसे लिखने से पहले हमें चाहिए होती हैं, उनमें पहली जो है वो सब्जेक्ट है. आफ्टर उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑडियंस है. ऑडियंस वो है जिनको आप लिखते हो, आपका जो सब्जेक्ट है वो जिस बंदे को आप रेफर कर रहे हो वो आपका ऑडियंस है, या वो एडिटर आपका ऑडियंस है, वो आपका सीनियर ऑडियंस है, आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर, कोई मैनेजर, या आपका ब्रदर, या आपका सिस्टर, आपका इंस्ट्रक्टर हो सकता है. ये सारे के सारे ऑडियंस है जिनको आप लेटर या कोई एप्लीकेशन या कोई पैगाम या कोई राइटिंग लिखना चाह रहे हो, वो आपके ऑडियंस है. ऑडियंस को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको तीन पॉइंट के ऊपर फोकस करना है. आपको ये देखना है कि ऑडियंस है कौन और उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो चाहता क्या है आपसे. मतलब आप अगर एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी डिमांड क्या है. उसकी डिमांड है कि आपका अकाउंट्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. आपके पास अकाउंट की डिग्री तो है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए कि वो उसकी इंटरेस्ट क्या है आपके लिए. तो लिहाजा सबसे पहले ऑडियंस की इंटरेस्ट को देखते हैं, ऑडियंस के लेवल को मीट करते हैं, क्या वो जो लेवल डिमांड कर रहा है आप उस लेवल के ऊपर पूरा उतर रहे हो. अगर ऊपर उतर रहे हो तो फिर आपने पहली शर्त उसकी पूरी कर दी है.
फिर दूसरा ये है कि जो आप टॉपिक लिख रहे हो उसको ऑडियंस की दिलचस्पी के साथ, ऑडियंस के साथ मैच करके देखो क्या ये उससे सिमिलर है, जो आपने राइटिंग शुरू करनी है क्या वो राइटिंग उसकी ऑडियंस के इंटरेस्ट से मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो आपने दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया है। फिर तीसरा ये है कि आप अपने टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ अगर डिफाइन कर देते हैं और लैंग्वेज वो पुट कर देते हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, तो देन समझें कि आपने उसका तीसरा स्टेप भी पूरा कर दिया है। इट्स मीन आपने ऑडियंस के तीन लेवल्स को मीट कर लिया है। फर्स्ट वन उसकी ऑडियंस की इंटरेस्ट है, सेकंड वन उस इंटरेस्ट का ताल्लुक है आपके टॉपिक के साथ, और थर्ड वन आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो एग्जाम्पल के साथ और लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करते हो जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। मतलब ऐसी लैंग्वेज भी ना हो आपका, जो आप कह लें कि ऑडियंस है वो अनपढ़ है और आप हाई फाई इंग्लिश लिख देते हो, दिन प्रॉब्लम है, या आपका ऑडियंस इंग्लिश नहीं समझता तो आप इंग्लिश लिख देते हो, वो चाइनीज समझता है आप चाइनीज में लिखते नहीं हो। तो नेसेसरी टू मीट द टारगेट ऑफ योर ऑडियंस, ऑडियंस के लेवल पे जाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑडियंस के लेवल तक नहीं जाते तो फिर आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते। इवन के मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूँ तो बहुत से बच्चे जो हैं वो टीचर्स जब न्यू आता है तो उसकी बात को फॉलो नहीं कर पाते, बच्चे उस टीचर की शिकायत कर देते हैं या कंप्लेन कर देते हैं कि जी इस टीचर की हमें समझ नहीं आ रही। रीजन क्या होती है, या टीचर उन बच्चों के लेवल पे नहीं आता या टीचर उन बच्चों को वो नहीं देता जो वो चाहते हैं, मतलब उनकी डिमांड्स को, उनकी इंटरेस्ट को, उनकी वैल्यूज को, उनकी लैंग्वेज तक वो पूरा नहीं उतर पाता, लिहाजा वो अपने ऑडियंस के टारगेट को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए वो नाकाम हो जाता है और बच्चे उसकी शिकायत है उसके लिए कंप्लेन कर देते हैं। थर्ड चीज है आपके पास पर्पस, आपकी राइटिंग का पर्पस क्या है, आप लिखना क्या चाह रहे हैं, क्या आप किसी इवेंट के बारे में कहानी बताना चाह रहे हैं, या आप कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं किसी चीज की, या आप किसी लिटरेचर के ऊपर कोई कमेंट्स देना चाह रहे हैं, या आप किसी आप कह लें कि टॉपिक की या किसी ऐसे की समरी बयान करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होगा, पर्पस जरूर होगा, व्हाई यू वांट टू राइट, आप लिखना क्यों चाहते हैं, कोई किस्सा बताने के लिए, कोई एग्जाम्पल कोट करने के लिए, या किसी चीज की समरी बयान करने के लिए आपके पास कोई जवाब होगा। अगर जब तक आपको जवाब नहीं समझ आएगा तब तक आपकी राइटिंग भी क्लैरिफाई नहीं होती। लिहाजा तीन चीजें जो हैं, सब फर्स्ट वन सब्जेक्ट है, सेकंड वन ऑडियंस है और थर्ड वन पर्पस है। इनके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो इंट्रोडक्शन का आता है। इंट्रोडक्शन का जो पहला पॉइंट हमारे पास प्रिवेल करता है यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन हमारे पास वो होता है जिसे हम बिगनिंग कहते हैं। किसी भी ऐसे का जो बिगनिंग पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है। जब ये इंट्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उस चीज को फॉलो करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर दो मेजर चीजें आती हैं, लेकिन तीन कम से कम होनी चाहिए, लेकिन टू मेजर्स हैं, एक हुक और एक थीसिस स्टेटमेंट। अगर ट्रांजिशन सेंटेंस भी लिख देते हैं तो ये बड़ी बात है आपकी, लेकिन तीन चीजें वो मेंशन करता है यहाँ पर कि तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक हुक है, हुक ये ऐसे ही होती है जब किसी आप कह लें कि फिश को कैच करना हो तो हम वाटर में हुक फेंकते हैं ताकि वो फिश कैच कर सके। इसी तरह अगर हमने रीडर की या ऑडियंस की अटेंशन को मरगूब करना है, उसे अटेंटिव रखना है, तो हमें कोई ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि रीडर अटेंटिव रहें, वो आपकी बात के साथ चिपटे रहें, आपकी बात को वो सुनते रहें। तो पहला पॉइंट जो है वो हुक है। तो जब हुक की बात करते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स पर, छोटे छोटे सेंटेंसेज के ऊपर निर्भर होती है, और इसी यही सेंटेंसेज जो होते हैं मिलकर थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, और यही थीसिस स्टेटमेंट जो होती है पूरे के पूरे पैसेज को, पूरे के पूरे एसे को लीड करती है। अब हुक क्या है, मैंने लास्ट भी आप बता रहा था कि अगर हम समझें कि एक हम लिखना चाह रहे हैं, एक हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं जिसके ऊपर लिखना है, ट्रांजिशन के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो ट्रांजिशन के ऊपर ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो हमें कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, कुछ हुक बनानी पड़ेंगी। तो पहले हम बनाते हैं ट्रांसलेशन, ये एक पहली हुक है। दूसरी हुक हम बनाते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल एरर की, ठीक है, ये दूसरी हुक हमारे पास है। तीसरी हम बनाते हैं एरर में से, हम लेते हैं सिंटैक्टिक एरर ले लेते हैं, ठीक है, सिंटैक्टिक एरर ले लिया हमने। फिर सिंटैक्टिक एरर में से हमने फोर्थ हुक जो है ली है, ये सिंटैक्टिक एरर किन के लिए है, ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है। तो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं ये यहाँ पर फोर्थ हुक हमारे पास इस्तेमाल हो गई है। फिफ्थ वन, ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है क्या, ये सेकेंड लैंग्वेज लर्नर है, क्योंकि इनकी इंग्लिश लैंग्वेज पहली नहीं है तो ये सेकेंड लैंग्वेज लर्नर कौन होते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट हुक हो गई है, ठीक है। पांच हुक हमारे पास हो गई है। अब हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास इस पॉइंट है और ये हमारे पास हुक है। अब इन हुक्स को हम अगर एक स्टेटमेंट में ढाल दें तो फिर वो थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। अब स्टेटमेंट में कैसे ढालते हैं, अब मैं लिखता हूं यहां पर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम फॉर द सेकंड
language a second language learner due to translation itself is a problem for the second language learner due to the translational errors that occur during the process that occur at syntactic level अब ये हमने एक स्टेटमेंट बनाई है हमारे पास ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन एरर का वर्ड है सिंटैक्टिक एरर है इंटरमीडिएट स्टूडेंट है सेकंड लैंग्वेज लर्नर है तो अब जब हम ऐसे को लिखेंगे तो हम पहले टॉपिक बनाते हैं जिसे हम ट्रांजिशनल सेंटेंस बोलते हैं तो ट्रांसलेशन बनेगा अ स्टडी ऑफ ट्रांसलेशनल एरर an analysis of translational errors at syntactic level for intermediate students ab ye humne iska translational sentence banaya niche humne thesis statement bana diya hai अब इनको हमने पुट कर दिया ट्रांसलेशन का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया ट्रांसलेशन एरर का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया सिंटैक्टिक एरर भी इस्तेमाल कर दिया इंटरमीडिएट वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया फिर सेकंड लैंग्वेज लर्नर डेफिनेटली हम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं सेकंड लैंग्वेज लर्नर के हैं तो हम जब ऐसे लिखेंगे तो पहले स्टेप पे हम ट्रांसलेशन को डिफाइन करेंगे पहला पैसेज हमारा ट्रांसलेशन के बारे में होगा फिर दूसरे तीसरे टॉपिक में हम बयान करेंगे ट्रांसलेशन एरर क्या है फिर ट्रांसलेशन एरर की टाइप्स में सिंटैक्टिक एरर क्या होते हैं फिर ये प्रॉब्लम किनको देते हैं ये सेकंड लैंग्वेज लर्नर को मतलब कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं हम पहले ट्रांसलेशन डिफाइन करेंगे फिर ट्रांसलेशनल एरर बयान करेंगे फिर सिंटैक्टिक एरर बयान करेंगे फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को बयान करेंगे फिर उनका ताल्लुक सेकंड लैंग्वेज लर्नर के लिए बयान करेंगे और एट द एंड पे हम बताएंगे कि हमने एरर कौन कौन से सीखे हैं ठीक है कहने का पर्पज ये है कि जब हम किसी भी टॉपिक को सर्च मारते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में हम जानना चाह रहे होते हैं तो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन का होता है इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें कौन सी चीजें तीन चीजें एक हुक आती है हुक ये वो कंसिस्टिंग और सिवरल वर्ड्स होते हैं जो एक मुकम्मल सेंटेंस बनाने के लिए मदद करते हैं आपको और इनको जब इकट्ठा कर देते हैं तो ये ट्रांसलेशन सेंटेंस बनता है और जब ट्रांसलेशन सेंटेंस को इकट्ठा करते हैं फिर ये थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है और थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ये एक या दो जुमलों पर निर्भर होती है जैसे कि अभी हमने पहले देखा है कि हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हमारे पास तो वो मैंने ट्रांसलेशन सेंटेंस भी बनाया है पहले हुक बनाई है हुक के मैंने फाइव बनाई है ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन एरर है सिंटैक्टिक लेवल है या सिंटैक्टिक एरर है फिर इंटरमीडिएट है फिर फॉरेन सेकंड लैंग्वेज लर्नर है तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम पांच पैराग्राफ के प्रेस से लिख रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे पहला इंट्रोडक्शन का ट्रांसलेशन का बयान करेंगे बाकी मटेरियल हम सेंटर में तीन पैसेज में डाल देंगे और एट द एंड पे कंक्लूजन कर देंगे पांचवें पैसेज में तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम हुक बनाते हैं हुक वो वर्ड्स होते हैं जो आपको एक जुमला बनाने में मदद देते हैं और फिर जुमला वो होता है जो आपको थीसिस स्टेटमेंट बनाने में मदद देता है और थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जो आपके पूरे का पूरा ऐसे कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करती है या मदद करती है अब यहाँ पर हुक्स क्या होती है यहाँ पर एक और एग्जांपल देता है कहता है जी हुक्स आर यूज्ड टू ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ और इन अ रिपोर्ट और एसे द हुक इज ऑफन शॉर्ट सेंटेंसेस एंड इज प्लेस्ड बिफोर द टॉपिक सेंटेंस मेन टॉपिक से पहले इस्तेमाल होती है ठीक है तो यू कैन ऑल्सो यूज अनदर वे शॉर्ट सेंटेंसेज एट द एंड ऑफ द एसे और रिपोर्ट टू रिमेन द रीडर ऑफ द ऑनगोइंग क्वेश्चन है जी व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड एसे ऑन फ्रेंडशिप तो यहाँ पर कहता है जी पॉसिबल क्लोजिंग क्या है अ मैन विद माई फ्रेंड्स इज रिच अ मैन विद मैनी फ्रेंड्स इज रिच जो वैल्यूएबल वो बंदा नहीं है जिसके पास गोल्ड होता है वैल्यूएबल वो होता है जिसके पास फ्रेंड्स होते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल क्लोजिंग क्या होगी वी विल ऑलवेज वंडर अबाउट द साइज एंड द ग्रेटनेस ऑफ आवर यूनिवर्स और लुक इन टू द हेवन्स एंड द काउंट द स्टार्स इफ यू कैन और कहने का पर्पज क्या है
कि अगर वो ऐसे फ्रेंडशिप के ऊपर लिखना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट आप नहीं कहेगा कि जी फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो कहता है जी ये देखो कि व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड, तो वो कहता है जी गोल्ड से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है, गोल्ड से ज्यादा कीमती आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता जिसे वो मेंटेन करना चाहता है। तो यहाँ पर वो हुक के तौर पर एक स्टेटमेंट देता है, कहना क्या चाहता है जी कि यहाँ पर चेक करें एक मजीद, यहाँ पर क्या कहता है जी, बिल्कुल यहाँ पर डॉग की एग्जाम्पल थी जी, कहाँ चलेगी जी, गोल्ड गोल्ड फ्रॉम द अमेरिकन रिवर, एक ये एग्जाम्पल देता है, कहता है जी पॉसिबल क्लोजिंग क्या होगी, मैनी पीपल ड्यूरिंग द गोल्ड रश, मैनी पीपल ड्यूरिंग द गोल्ड रश थॉट दे वर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ गोल्ड, इंस्टेड अ लॉट रिसीव्ड अ न्यू होम इंस्टेड। दूसरी रिपोर्ट में कहता है नाउ 160 इयर्स लेटर द गोल्ड इज गोन एंड सो आर द मेन हु केम टू माइन इट, कहने का मतलब यहाँ पे कहता है 160 साल से गोल्ड की वो इंपॉर्टेंस नहीं हुई जो इंसानों ने मुझे इंपॉर्टेंस दे दी है। फिर नीचे कहता है कि बॉब एलिस कहता है वाज सैड टू लीव हिज फैमिली इन न्यूयॉर्क बट गोल्ड फीवर वाज स्ट्रॉन्ग इन हिज ब्लड। अब उसे कहता है जी कि इंपॉर्टेंस देनी है हमने किसी चीज को, तो इंपॉर्टेंस क्या देता है यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंस देने के लिए हमें कुछ इंप्रेशन चाहिए होते हैं, वो इंप्रेशन जो हम किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो पहले हम वो बेसिक हुक्स इकट्ठी करते हैं, जब हम हुक्स इकट्ठी कर लेते हैं फिर हम उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी है आपको ट्रांसिशन के तौर पर थीसिस स्टेटमेंट की, लेकिन यहाँ पर एक और एग्जांपल पुट करता है। अ वेरी बेसिक थीसिस स्टेटमेंट इज वन और टू सेंटेंसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ दैट टेल्स द रीडर द मेन आइडिया ऑफ योर एसे। थीसिस स्टेटमेंट शुड बी दीज थ्री थिंग्स, इट शुड क्लियरली एक्सप्रेस व्हाट द एसे इज अबाउट, ये बताना चाहिए ऐसे किसके बारे में, जैसे हमने बताया ट्रांसिशन के बारे में। इट शुड मेक अ डिस्कसेबल पॉइंट, इसके पॉइंट भी होने चाहिए डिस्कस किए जा सके, और हमारे पास भी हैं जैसे कि हमने ट्रांसिशन एरर ले लिया है, सिंटैक्टिक एरर लिया है, फिर हमने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट लिए हैं, ये डिस्कस करने के लिए हैं। इट शुड इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, स्ट्रक्चर मतलब लिमिटेशन बताए कि हम कितने टॉपिक इसमें बैन करेंगे, जैसे हमने ट्रांसिशन का टॉपिक लिया था उसमें हमने 5 चीजों को मेंशन किया, ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशनल एरर को, सिंटैक्टिक एरर को, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को, और साथ में हमने फॉरेन लैंग्वेज लर्नर को, इसमें 5 चीजें हमने मेंशन कर दी और हमने एक बाउंड्रीज बना दी कि हम इन चीजों के दरमियान ये चीजें मेंशन करेंगे। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है थीसिस स्टेटमेंट की, कहता है हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट फॉर एन एसे अबाउट व्हाई अ डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट। मे 3 मेजर पॉइंट्स विल बी दैट डॉग आर लॉयल, इजी टू ट्रेन एंड मेक गुड कंपेनियंस। अब 3 जुमले हैं, कहता है ये 3 जुमले जो है मतलब कि डॉग लॉयल होता है, ये पहला वर्ड है, Easy to train होते हैं, दूसरा वर्ड है गुड कंपेनियन होते हैं, तीसरा वर्ड है, इन 3 जुमलों को मिला के वो थीसिस स्टेटमेंट बनाता है। बनाता क्या है, अ डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट फॉर मी बिकॉज दे आर वेरी लॉयल, दे आर इजी टू ट्रेन एंड दे मेक गुड कंपेनियंस। ये थीसिस स्टेटमेंट बना दी। इट्स मीन जब वो ऐसे लिखेगा तो ऐसे के दरमियान पहला पॉइंट ये होगा, वो डॉग को डिफाइन करेगा, फिर ये बताएगा वो ग्रेट पेट होते हैं, फिर ये डिस्कस करने के बाद ये बताएगा कि वो लॉयल होते हैं, फिर ये बताएगा कि ये इजी टू ट्रेन होते हैं, फिर बताएगा ये अच्छे कंपेनियन होते हैं। मतलब 5 पैसेज वो क्लियर कर गया है, आपकी लिमिटेशन भी साथ में बता गया, अपना टॉपिक भी क्लियरली बता गया, डिस्कस क्या करना चाह रहा है कि वो डॉग की बेहतरीन वो अच्छे पेट होते हैं, आपके लिए पालतू जानवर होते हैं, तो उस पालतू जानवर बेहतरीन क्यों होते हैं उसकी वजह भी बता गया। इट्स मीन उसने बाउंड्रीज भी सेट कर दी, लिमिटेशन भी सेट कर दी और हुक भी बता दी। पहली हुक ग्रेट पेट है, दूसरी हुक लॉयल है, तीसरी हुक ट्रेन है, इजी टू ट्रेन है, फोर्थ हुक गुड कंपेनियन है, और फर्स्ट हुक जो है हमारे पास वो डॉग है। तो इट्स मीन उसने 5 हुक बयान कर दी, इट्स मीन हम 5 सेंटेंसेस पे एक थीसिस स्टेटमेंट या 5 पैराग्राफ पे एक ऐसे लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सैंपल ऑफ इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या कहता है जी, हुक क्या होगी, द आर्थर हक्सले वंस सेड टू हिज डॉग एवरी मैन इज नेपोलियन। अब कहता है जी कि हक्सले ने कहा था मेरे कुत्ते के लिए हर बंदा नेपोलियन है। नेपोलियन क्यों कहा, नेपोलियन एक दुश्मन की कैटेगरी में है, एक एनिमी की कैटेगरी में है। तो अब उसे ट्रांजिशन सेंटेंस क्या बनाता है, एज आई कंसीडर द पेट आई वुड लाइक टू हैव शेयर माय लाइफ, इट्स हक्सले'स कोट दैट सम्स अप व्हाई अ डॉग वुड बी द बेस्ट चूज। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स सेंस ऑफ लॉयल्टी, इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट यू एंड इट्स ग्रेट कंपेनियनशिप, अ डॉग इज अ परफेक्ट पेट। इट्स मीन उसने तरतीब के साथ इन सारी चीजों को इकट्ठा करके बयान कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, एक हुक भी, ट्रांजिशन भी और थीसिस स्टेटमेंट भी। इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो हुक और थीसिस स्टेटमेंट के दरमियान का लिंक होता है। तो लिहाजा जब भी आप हुक बनाएंगे ये वो वर्ड होंगे जो आपको मदद देंगे आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनाने में। थीसिस स्टेटमेंट वो होगी
जब आप उन सब वर्ड्सों को, तमाम के तमाम लफ्जों को एक लाइन में, एक जुमले में या दो जुमलों में ढाल देंगे तो वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर बॉडी क्या होती है हमारे पास, बॉडी ऑफ द एसे। व्हाट इज द बॉडी ऑफ द एसे? बॉडी आपका क्रक्स होता है किसी भी एसे का, किसी भी एसे का क्रक्स होता है। और किसी भी एसे के जब हम क्रक्स की बात करते हैं, द बॉडी ऑफ एन एसे इज द पार्ट बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। इट कंटेन्स द एविडेंस, इसके अंदर सबूत होते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स होती हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसने आपको एग्जाम्पल पुट करनी होती है। सो फार वी हैव यूज्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ 3 पैराग्राफ, बट देयर कैन बी 100 और मोर पैराग्राफ टू एन एसे। आपके ऊपर निर्भर है कि आपने कितना लॉन्ग ऐसे लिखना है, आपने 500 का ऐसे लिखना है, वर्ड का ऐसे लिखना है, 300 वर्ड का ऐसे लिखना है, या 1000 वर्ड के ऊपर ऐसे लिखना है। जितनी लेंथ होगी उस लिहाज से उसके पैराग्राफ बढ़ते जाएंगे। बट डू रिमेंबर, इन एवरी पैराग्राफ यू मस्ट पुट एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। आपने जो एग्जाम्पल दी है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, या आपने जो डिस्क्रिप्शन दी है, उसके लिए जरूरी है कि आप वहां पर पुट करें एक एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम होगा, फिर वो साबित हो जाएगा कि आप बात को समझा रहे हैं। अब क्या कहता है कि हर जो बॉडी पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ के अंदर 3 चीजें जरूर होती हैं। आपके बॉडी पैराग्राफ आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, ये आपके टॉपिक पर मबनी होगा कि उसके कितने पैराग्राफ आप बनाना चाहते हैं। मतलब उसकी लेंथ बताएगी आपको कि आपने कितना लिखना है। अगर आपने 300 वर्ड लिखने हैं तो फिर उसके 5 पैसेज काफी हैं, विच मीन 3 पैसेज अगर आप बॉडी के बना देंगे तो वो काफी होंगे। लेकिन हर पैराग्राफ, चाहे वो 10 पैसेज हों बॉडी के, चाहे 20 हों, चाहे 3 हों, चाहे 5 हों, हर पैराग्राफ जो होगा उसके अंदर 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। पहला ये कि उस पहला जो पॉइंट है उसके अंदर टॉपिक होना चाहिए। मतलब जो पहला पैराग्राफ होगा, हर पैराग्राफ होगा, उसका जो पहला सेंटेंस होगा वो उस बात से शुरू होना चाहिए जिसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन हमने ट्रांसलेशन का दे दिया इंट्रोडक्शन में, अब हम दूसरे पैसेज में बयान करना चाह रहे हैं ट्रांसलेशनल प्रॉब्लम्स, तो हम पहला जुमला जो होगा वो ट्रांसलेशनल प्रॉब्लम के ऊपर ही लिखेंगे। सारी की सारी जो बात होगी हमारी उस पैसेज में वो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम के ऊपर ही चलेगी, लेकिन साथ में हम एग्जाम्पल देंगे कि कौन सी प्रॉब्लम हमें आती है ट्रांसलेशन में, ठीक है। इसी तरह उस पहला उस टॉपिक को बयान करेंगे, दूसरी उस टॉपिक की डिटेल बयान करेंगे, उस टॉपिक के बारे में डिटेल बयान करेंगे और उसकी एग्जाम्पल पुट करेंगे दूसरे नंबर पे। हर पैराग्राफ के 3 हिस्से होंगे, पहला उस टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर उस सेंटेंस की डिटेल और एग्जाम्पल होगी, थर्ड नंबर पे उसकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे जो आप हर पैसेज के एंड पे 1-2 लाइंस के अंदर, जस्ट बल्कि 1 सेंटेंस के अंदर आप पुट करेंगे। आप सम अप करेंगे आपने पूरे पैराग्राफ में क्या कहा है, आपने एट द एंड पे एक लाइन में आप उस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। इट्स मीन जिस तरह एक ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब कि बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है, इसी तरह हर पैराग्राफ का बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। बिगिनिंग में उसका टॉपिक सेंटेंस आता है, मिडल में उसकी टॉपिक सेंटेंस की डिटेल और एग्जांपल्स आती हैं, एंड पे उस पैराग्राफ की कंक्लूजन आती है जो हम एक जुमले में या एक सेंटेंस में लिखते हैं वहां पर। तो लिहाजा बॉडी ऑफ जो आपके पैराग्राफ की है वो इस तरह से कंबाइन होगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन के अंदर हमारे पास 3 चीजें मजीद आती हैं। पहली चीज ये होती है कि हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला ये है कि आपने पूरे एसे की समरी बयान करनी होती है, समरी स्टेटमेंट देनी होती है कि आपने जो पूरे का पूरा एसे बयान किया है उसका ओवरव्यू क्या है, उसका क्रक्स क्या है, उसका लुब्बे लुबाब क्या है। कहते हैं, जस्ट एज एवरी एसे हैज अ क्लियर बिगिनिंग, इट शुड हैव अ क्लियर एंडिंग, इट मीन क्लियर कंक्लूजन। द लास्ट पैराग्राफ ऑल्सो नो एज द कंक्लूजन शुड मेक योर एसे साउंड फिनिश्ड। ऐसा लगना चाहिए कि आपने ऐसे कंक्लूड कर दिया है, आपके अल्फाज इख्तिताम पजीर हैं। ऐसा ना हो कि आप ऐसे वर्ड लिखें जिससे ये पता चल रहा हो कि अभी बात कंटिन्यू चल रही है, इसने कंक्लूजन नहीं किया। आपने इन द लास्ट नहीं लिखा, इन कंक्लूजन नहीं लिखा, एट लास्ट नहीं लिखा। ये वो अल्फाज हैं जो साबित करते हैं कि इन द लास्ट एट कंक्लूजन और इन कंक्लूजन एट कंट्रोडी और वी हैव अ कंक्लूजन से दैट और एट दैट वी सजेस्ट दैट। ये सारे अल्फाज किसी भी टॉपिक को इख्तिताम करने के लिए होते हैं। अगर आप ये एट द एंड पे ये नहीं लिखते, इन द लास्ट, एट लास्ट और इन कंक्लूजन और इन सजेशन वी वांट टू से, तो ये चीजें जब आप नहीं लिखते तो इसका मतलब है आपको अपने टॉपिक को कंक्लूड या फाइनलाइज नहीं कर रहे। तो जरूरी है कि आप अपने टॉपिक को फाइनलाइज करें।
पहला ये है कि उसकी समरी बयान करें, उस टॉपिक की पूरे के पूरे पैराग्राफ की पूरे के पूरे ऐसे की समरी, छोटी सी समरी बयान करें। जो समरी होगी वो ज्यादा ज्यादा दो तीन जुमलों के ऊपर मबनी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि समरी बयान करते आप नया एक पूरा ऐसा और लिख देंगे। इट्स मीन आपने पूरे ऐसे के अंदर जो मेजर बातें बयान की हैं, आप यही समझ लो कि वो आपने दोबारा यहाँ पर लिखनी है। और मेजर बातें वही होंगी जो आपका थीसिस स्टेटमेंट होगी, और थीसिस स्टेटमेंट वो होगी जो आपकी हुक्स होंगी, और हुक्स वो होंगे जो आपके क्लिंचर्स होंगे, आपके मेजर वर्ड्स होंगे जिन वर्ड्स की बिहाफ पे आप अपना ऐसे लिखने चाह रहे हो। अब पहले नंबर पे कंक्लूजन में आप समरी बयान करते हैं, दूसरे नंबर पे आप क्लिंचर बयान करते हैं। क्लिंचर ये क्या होता है, ये आखिरी इख्तितामी वर्ड्स होते हैं जो ये वो लास्ट इंप्रेशन होता है जो हम रीडर के दिमाग पर डालते हैं या रीडर के लिए हम छोड़ते हैं। आप कितनी अफेक्टिव बात करते हैं एट द एंड पे, कितनी अफेक्टिव बात नहीं करते, ये आपका लास्ट पैसेज जो है वो साबित करता है कि आपने कितनी अच्छी या कितनी नॉर्मल बात की है। अगर आप अच्छी बात नहीं करते तो कंक्लूजन आपका अच्छा नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन एट द लास्ट पे होना बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन के दरमियान आपने हुक बयान की है और थीसिस स्टेटमेंट बयान की जिसने रीडर की इंटरेस्ट को लॉस नहीं होने दिया, इसी तरह एट द एंड पे आप एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाए रीडर के माइंड में कि वो आपके कंक्लूजन से इत्तफाक करता रहे, वो कहे नहीं हाँ इस बंदे ने बात क्यों सही की है, क्योंकि इसने सारी लॉजिक्स भी बयान कर दिए, एग्जाम्पल भी बयान किए हैं साथ में, तो लिहाजा ये बंदा बात ठीक कह रहा है। तो आप उसके माइंड में अगर अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे तो आपका एसे और आपके मार्क्स भी अच्छे कंसिडर किए जाएंगे। अब समरी स्टेटमेंट में क्या करते हैं, समरी स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी डिटेल बयान कर देंगे, ठीक है। समरी स्टेटमेंट कहता है कि समरी स्टेटमेंट ये है कि आप इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और इसे दो तीन लाइनों में कंक्लूड करेंगे। इट्स मीन पूरे के पूरे ऐसे के मेजर वर्ड्स उठा के आप समरी स्टेटमेंट बयान कर देंगे। द समरी स्टेटमेंट इज एन इफेक्टिव वे टू स्टार्ट योर कंक्लूजन पैराग्राफ बिकॉज इट हेल्प्स टू ड्राइव होम द आइडियाज यू हैव एक्सप्रेस इन योर ऐसे। जो आपने सारे के सारा ऐसे बयान किया है उसकी आप समरी बना देनी चाहिए, छोटी सी समरी। ऐसा ना हो कि 50 लाइनों बनी हो, दो या तीन लाइनों पर समरी बनी हो, ठीक है। और क्लिंचर वही है जो आपकी इंप्रेशन है, जो आपके आप कह लें कि इंटरेस्ट है, जो आप रीडर लॉस नहीं करना चाहता। क्लिंचर आल्सो रेफर टू एज द क्लोजर इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द रीडर। इट्स मीन आपको कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी है जिससे रीडर जो है अपनी इंटरेस्ट को लॉस ना करे। अगर उसने अपनी इंटरेस्ट को लॉस कर लिया तो डेफिनेटली आपने कंक्लूजन अच्छा नहीं किया। आप कोई एंड करें, वहां पर कोई कंक्लूजन दे दें, कंप्लीट द एनेक्डोट द स्टोरी यू टोल्ड द बिगनिंग, जो शुरू में जो आपने कहानी बताई थी उसे फाइनलाइज करें, क्वेश्चन करें उनसे और नई कोटेशन पुट कर दें, क्योंकि आपको कोटेशन आती हैं। तो अगर आपको कोटेशन नहीं आते तो कोई प्रिडिक्शन बना दें, सजेशन दे दें उनको कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ये नतीजे होंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। इट्स मीन आपकी जो सजेशन होंगी वो उनके लिए अफेक्टिव साबित हो रही होंगी और वही उनके लिए क्लिंचर साबित हो रहा होगा। इट्स मीन यू हैव टू मेक अफेक्टिव और इमोशनल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर एसे सो दैट द रीडर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड और एग्री टू यू दैट। वो आपसे इत्तफाक भी करे और आपकी बात को माने भी, यही सारी बात है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी देता है कि समरी क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है। और थैंक यू फॉर बेयरिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ये हमारे पास जो था ये हमारा हाउ टू राइट एन एस ए और स्ट्रक्चर ऑफ एन एस ए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।